आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, वो भी कांग्रेस के टिकट पर, कांग्रेस के टिकट पर मनोज तिवारी के सामने। इस बात में कितनी सच्चाई है, एक एक करके बताइए। ये आपको किसने बताया? सूत्रों के हवाले से खबर है। राहुल गांधी फिलहाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हुए हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे, क्या राय रखते हैं, क्या क्या सोचते हैं? उनको भी पीएम बनने का है और क्या, क्या लगता है कभी पीएम बन पाएंगे? ये तो जनता बताएगी। मनोज तिवारी जी को मैं एक फूहड़ और अश्लील गायक के रूप में देखती हूँ। भाषा को अपमानित करने वाले लोगों को भाजपा सम्मानित कर रही है टिकट दे दे करके। हमारी भोजपुरी तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूँ आपके साथ कीर्ति राजौरा। आज हमारे साथ यूपी में काबा गाने वाली लोक गायिका, मशहूर लोक गायिका अगर मैं कहूँ तो वो मौजूद हैं, जिनका नाम है नेहा सिंह राठौर। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज तक पर। शुक्रिया, और न्यूज तक देख रहे सारे दर्शकों को भी नेहा सिंह राठौर की तरफ से प्रणाम। अच्छा नेहा, लोकसभा चुनाव होने को हैं, सर पर हैं, और इस बीच आप फिर एक बार चर्चा में आ गई हैं। चर्चा है आपको लेकर हमारे पास, आपसे जुड़ी कि आप लोकसभा चुनाव लड़ने वाली हैं। दरअसल तीन चीज़ें सामने आ रही हैं और इन तीन चीज़ों में ये है कि आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, वो भी कांग्रेस के टिकट पर, कांग्रेस के टिकट पर मनोज तिवारी के सामने। इस बात में कितनी सच्चाई है, एक एक करके बताइए। ये आपको किसने बताया? सूत्रों के हवाले से खबर है। मुझे भी वैसे सूत्रों के हवाले से ही पता चला, मुझे भी तीन चार कॉल्स आए कि भाई तुम चुनाव लड़ रही हो। मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं पता है, पर मैं भी खबरें सुन रही हूँ, अच्छा अच्छा लग रहा है। तो बाकी और कुछ मुझे जानकारी नहीं है, बस हाँ सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग मुझे टैग कर करके कि हाँ मतलब इनको चुनाव लड़ना चाहिए ऐसे करके, और बाकी मुझे बहुत जानकारी नहीं है, मैं भी बस देख ही रही हूँ, मीडिया वगैरह में खूब चल रहा है ये तो मैं देख ही रही हूँ। अच्छा नेहा, आपने कहा कि आपको जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर तो ये आ रही है, तो क्या ऐसा, क्या क्या कुछ ऐसा है जो आप हमसे अभी साझा नहीं करना चाह रही हैं, और आप जब मौका आएगा तब इस चीज़ को रिवील करेंगी? नहीं देखिए, क्या है कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगी तो जाहिर सी बात है मैं मीडिया में ज़रूर बात रखूंगी, है ना, क्योंकि मीडिया एक माध्यम है अपनी बात पहुँचाने का। अगर मुझे किसी से वोट पाना है तो मेरे वोटर्स को पता होना चाहिए कि उनका नेता कौन है, तो मैं क्यों ही छुपाऊंगी। पर सच में अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है हमारी, हम भी सुन रहे हैं, मीडिया में चल रहा है, और कई सारे मुझे कॉल्स है कि क्या तुम, मेरे दोस्तों की कॉल्स है कि भाई तुम चुनाव लड़ रही हो कांग्रेस के टिकट पर मनोज तिवारी के खिलाफ और ये सारी चीज़ें। मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो बस मीडिया के थ्रू ही पता है, तो मुझे हंसी भी आ रही है और अच्छा अच्छा भी लग रहा है कि अच्छा चलो ठीक है, हवा जो चल रही है चलने देते हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव से पहले आपका जो गाना है यूपी में काबा, ये बहुत चर्चा है, इसमें आपने योगी मोदी को सीधा टारगेट किया है, तो क्या इस गाने को इनाम के तौर पर कांग्रेस आपको लोकसभा का चुनाव का जो टिकट है लड़ने के लिए वो दे सकती है, ऐसी कुछ संभावना है क्या, कुछ अंदरूनी खबर है ऐसी? अगर ऐसा होता है तो अगर आपको टिकट दिया जाता है, हालांकि आप मना ही कर रही हैं। नहीं नहीं, ये तो फिर कांग्रेस से पूछना चाहिए ना कि वो मुझे इनाम देना चाह रही है क्या, और अगर ये यूपी में काबा एक इनाम है तो मुझे लगता है कि फिर बीजेपी को भी इसको इनाम के तौर पे ही लेना चाहिए, उसको भी कुछ भाई इनाम देना चाहिए। मुझे ऐसी कोई बात नहीं, मुझे नहीं जानकारी, सच में मुझे नहीं जानकारी है, और यही एकदम फैक्ट बात है कि मीडिया के थ्रू ही मुझे भी पता चल रहा है कि मेरे बारे में खबरें चल रही हैं, मुझे तो पता भी नहीं। टैग कर करके लोग एक तरफ मेरा फ़ोटो, एक तरफ मनोज तिवारी जी का फ़ोटो लगा करके और ये सारी चीज़ें लोग कह रहे हैं कि तुम चुनाव लड़ रही हो, मुझे नहीं पता है जी। अच्छा, मनोज तिवारी को लेकर आपके साथ चर्चाएँ चल रही है, मनोज तिवारी आपके साथ मतलब आप उनके सामने चुनाव लड़ सकती हैं, क्या कुछ उनको लेकर आप रखती हैं राय रखती हैं? देखिए मनोज तिवारी जी को लेकर के सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो मेरे ही ज़िले के हैं, ठीक है, भभुआ ज़िला उनका भी लगता है मेरा भी लगता है। मनोज तिवारी जी को मैं एक फूहड़ और अश्लील गायक के रूप में देखती हूँ, एक ऐसा गायक जो गाना गाते हैं बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, कहनी कि गौवे में नौवा लिखावा औरी पढ़ावा। मनोज तिवारी जी का जिक्र आप अभी मेरा ट्विटर अकाउंट देखेंगे तो उस पर मैं लगातार सक्रिय हूँ। मनोज तिवारी जी का या रवि किशन जी का नाम इसलिए क्योंकि इन्होंने भोजपुरी की बोटियाँ बेच करके आज पार्लियामेंट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, या फिर महिलाओं के विकास की बात कर रहे हैं। मैं ये आपसे कहती हूँ, जो व्यक्ति शुरू से ही महिलाओं की शिक्षा बाधित करने में लगा हुआ है ये कह करके गाना गा गा करके जा करके पूरा प्रचार कर रहा है कि बबुनी को शहर का हवा लग जाएगा अगर आप उसको बाहर पढ़ाने भेजेंगे, मैं कह रहा हूँ कि उसका एडमिशन गांव में कराओ, तो आप महिलाओं के हितैषी कहाँ हैं, है ना? आप तो क्या बोलेंगे, महिलाओं के शिक्षा में बाधा पहुँचाने वाले आदमी हैं।
तो जब ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि भाई आपके मुंह से ये शोभा नहीं दे रहा है। और मनोज तिवारी जी का ये गाना, इसको लेकर मेरा पर्सनल खुन्नस इस तरीके से है कि मुझे याद है ग्रेजुएशन के बाद मेरी मम्मी, बनारस हमारे यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, मैं भभुआ जिला की हूँ, तो मेरा बड़ा मन था कि मैं बनारस रह करके पढ़ाई करूँगी, मैं हॉस्टल में रह करके पढ़ना चाहती थी। मेरी मम्मी ने सच में मुझे यही कहा था कि अरे नहीं नहीं बेटियों को बाहर क्या ही भेजना है, उन्हें शहर की हवा लग जाएगी। तो आपने ये किया है, भले आपको लगता है मनोज तिवारी के इस गाने से आपकी मदर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुई थी उस समय भी। भाई साहब, कोई हुआ था या नहीं हुआ था ये तो नहीं पता, लेकिन मेरी माता जी पे गजब इस गाने का प्रभाव था। मेरी माता जी से कई बार इस बात को लेकर के झगड़ा भी हुआ कि मम्मी ऐसा नहीं, भैया भी तो दिल्ली पढ़ने गया है, वो तो नहीं बिगड़ रहा है, क्यों मनोज तिवारी जी ने ऐसा कुछ गाना तो नहीं बनाया कि बबुआ के लागल बा शहर के हवा। खाली शहर का हवा बबुनी लोग के ही काहे लग जाला महाराज। और एकरा बाद रउआ लोग, भोजपुरी को लेकर के मैं बात इसलिए भी करना चाहूँगी क्योंकि मेरा एक आंदोलन है, भोजपुरी बचाओ आंदोलन, जिसके थ्रू मैं भोजपुरी में साफ सुथरे गीत लिखने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे ये पता है कि मैं एकदम अकेला चना हूँ, बहुत सारी भीड़ है और भाजपा ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही है। भोजपुरी की छवि खराब करने वाले लोगों को, भोजपुरी भाषा को अपमानित करने वाले लोगों को भाजपा सम्मानित कर रही है टिकट दे दे करके। आप उन्हें एक अवसर दे रहे हैं, तो मैं तो भाजपा से भी सवाल करती हूँ कि भाई आप लोगों ने भोजपुरी की छवि खराब करने की सुपारी ले रखी है क्या, कि जो जितना गंदा गाएगा उसको जल्दी टिकट मिलेगा, है ना। और इनके आदर्श भी है ना, जो इनके पीछे मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी या निरहुआ जी हुए, इसके बाद अभी क्या बोलते हैं उसको, जब ले चुम्मा ना चिखैबू होठ ललिए से तो सौतिन ले आई बंगलिए से फेम, क्या नाम है उस, पवन सिंह, उनको भी अभी टिकट दिया। तो इसके बाद और भी जो गायक हैं उनका मोराल इतना हाई है ना, उनको लगता है कि अरे बस कुछ नहीं करना है, टिकट पा, लोकसभा चुनाव लड़ना है, जितना हो सके गंदा गंदा गाना गाओ, भाजपा तो टिकट दे ही रही है। तो ये चीज़ें हैं मेरी आपत्ति, और मेरा सवाल इन सब चीज़ों को लेकर के है बतौर भोजपुरी भाषी और बतौर भोजपुरी लोक गायिका। हाँ, आपकी विचारधारा से साफ पता चल रहा है कि आप बीजेपी की विचारधारा से कहीं ना कहीं सहमत नहीं नजर आ रही हैं, बीजेपी और साथ ही मनोज तिवारी को लेकर भी। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस आपको टिकट देती है चुनाव लड़ने के लिए, तो आप बेखुटका चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहेंगे? मैं जरूर विचार करूंगी, और सिर्फ कांग्रेस क्यों, आप बीजेपी की बात क्यों नहीं कर रही है? बीजेपी मुझे टिकट देगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ना चाहूंगी, चार पांच शर्तों के साथ बोला तो जरूर चुनाव लड़ना चाहूंगी। और मैं जानना चाहूंगी वो चार पांच शर्तें होंगी क्या। सबसे पहली शर्त ये होगी कि साहेब मणिपुर जाएं, वहां बातचीत करें जी। दूसरी शर्त ये होगी कि बेरोजगारों पर लाठी नहीं बरसाई जानी चाहिए, वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर सके। महिलाओं पे ये जो अत्याचार बलात्कार आए दिन जो चीजें हो रही है, पहलवानों की बात सुनी जाए, किसानों पर गोले न बरसाए जाए महाराज, गोली न चलाई जाए, शुभकरण सिंह की हत्या न की जाए, इन चार पांच शर्तों के साथ मैं जरूर बीजेपी के टिकट से लड़ना चाहूंगी। आप लोग सिर्फ कांग्रेस की बात करते हैं, बीजेपी क्यों नहीं उसको क्या आपको लगता है कि आप जब इतनी असहमत हैं बीजेपी की विचारधारा से, तो क्या आपको लगता है बीजेपी आपको इन शर्तों पे मौका देगी? ये तो मुझे नहीं पता, ये तो नड्डा जी और शाह जी या फिर जो भी बड़े उनके, लेकिन आप अपनी बात रख रही हैं कि इन शर्तों के साथ आप चुनाव लड़ेंगी बीजेपी के। आपने सवाल अगर, किया अगर मौका मिलता है तो। हाँ, तो वो मौका तो मैं खुद को दूंगी नहीं, वो तो वही लोग डिसाइड करते होंगे। आपका सवाल था तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल लड़ सकती हूँ इन सारी शर्तों के साथ। अच्छा, राहुल गांधी फिलहाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हुए हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे, क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं? नहीं नहीं न्याय यात्रा जैसी चीज़ें या जोड़ने जैसी चीज़ें हमेशा से मुझे जो है आकर्षित करती रही हैं। अब कोई जाति को लेकर के या धर्म को लेकर के तोड़ो की बात करेगा तो मैं तो सहमत नहीं ही रहूँगी उसकी बात से। जोड़ने वाली चीज़ें हमेशा से मुझे आकर्षित करती रही हैं। अच्छी बात है, वो विपक्ष के लीडर हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको भी पीएम बनने का है और क्या। क्या लगता है कभी पीएम बन पाएंगे? ये तो जनता बताएगी, ये मेरे एक के कहने से नहीं कहने से कुछ भी नहीं होगा। चुनाव में दो चार महीना टाइम है ना, जनता बता देगी, आप लोगों के भी सवाल का जवाब मिल जाएगा। अच्छा, पीएम मोदी और राहुल गांधी की तुलना में किसे बेहतर नेता मानती? बेहतर नेता यार ऐसे तो अगर मैं किसी के भी बारे में बोल दूँ तो बड़ा वैसे पक्षपात जैसा हो जाएगा या आप मुझे वैसे ही जज करने लग जाएंगे। तो जनता पसंदीदा नेता के तौर पर तो बता ही सकते हैं, बेहतर ना नहीं यार, बड़ा ये मतलब दुविधा वाला सवाल है। मैं
मैं इस सवाल को स्किप करना चाहूंगी। बिल्कुल स्किप करेंगे इस सवाल को। जानना चाहेंगे क्या आपकी राहुल गांधी से कभी मुलाकात हुई है? राहुल गांधी जी से मेरी ऐसी मुलाकात नहीं हुई है कि बैठ करके हम कॉफ़ी पी रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। एक बार उन लोगों ने मुझे भारत जोड़ो यात्रा में इनविटेशन दिया था, उनके ऑफिशियल हैंडल से मेल आया हुआ था, तो हम गए हुए थे, बाकी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, भोजपुरी गानों को लेकर आपने अभी चर्चा की है और यहाँ पर हम चर्चा पवन सिंह की एक बार फिर करेंगे। अभी आपने पवन सिंह का जिक्र किया था, टिकट मिलने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया, उसके बाद बोले चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ राय रखा? मेरी तो भाई इस चीज़ को लेकर के भाजपा से शिकायत है कि एक आदमी जो बंगाल की लड़कियों को बिहार में रोजगार देने का इतना बड़ा बड़ा दावा करता है, आप लोग उसका टिकट काट दिए महाराज, अच्छी बात नहीं है आप लोगों ने। और एक चीज़, मनोज तिवारी जी इतना गंदा गाना गाए, उनको टिकट मिल गया, निरहुआ जी को टिकट मिल गया, जो गाते हैं कि रहरी में बीए कैलू, सरसों में एमए और उखियरिए में एमा ओमा के पढ़ाई, इतना घटिया गीत गाने वाला व्यक्ति सांसद बना बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है कि पवन जी को भी मौका दीजिए, ये भी कोई कम थोड़ी ढोड़ी में कोचिंग खोले हैं और पता नहीं गोदी में लेके जन खोदी है जीजा जी, ऐसे लोगों को बनाइए महाराज सांसद। ये तो सांसद की अरे क्या बोलते हैं, एकदम ये लोग शोभा बढ़ाने वाले लोग हैं। पार्लियामेंट में जाते होंगे तो गर्व से आप लोगों का भी सीना थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा, चार चार सांसद महाराज। भोजपुरी बचाओ आंदोलन आप चला रही हैं, आपने अभी जिक्र किया, क्या कुछ किया जा सकता है इस तरीके से भोजपुरी भाषा में जिस तरीके के गानों में अश्लीलता भर दी गई है उसको सही करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है आपकी राय में? देखिए, लोहे को लोहा ही काटता है, गंदे गीतों का जवाब आप अच्छे गीतों से दे सकते हैं। जितना इन लोगों ने फूहड़ गीत गाया है उसके जवाब में आप साफ सुथरे गीत बना करके जनता को बताइए कि भाई अपनी भोजपुरी ये है, भिखारी ठाकुर वाली अपनी भोजपुरी है, महेंद्र मिसिर वाली अपनी भोजपुरी है, शारदा सिन्हा जी जो इतना प्यारा और मधुर गाती है वो भोजपुरी है ना हमारी। हमारी भोजपुरी तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से नहीं है, हमारी भोजपुरी गोदी में लेके जन खोदी है जीजा जी नहीं है। और बुरी बात ये है ना कीर्ति जी कि भोजपुरी की छवि खराब करने वाले ही भोजपुरी का असली चेहरा बने बैठे हुए हैं और दुनिया भर को लगता है भोजपुरी मैंने तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से, भोजपुरी मैंने ऐसे ही अरे वल्गर टाइप का। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, यही दिल्ली की बात है, मैं मुखर्जी नगर में रहती थी आज से एक साल पहले, तो एक कोई चाय वाला करके है, वो मुझे नहीं पता उसका नाम, तो मैं वहाँ पर गई तो गाना पंजाबी बज रहा था, मैं पंजाब से नहीं हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है उतना, तो मैंने कहा भाई कुछ भोजपुरी बजाओ ना। उसने बोला ठीक है बॉस से परमिशन लेकर के आता हूँ, तो वो गया अपने बॉस से परमिशन लेने, फिर आया बोला कि सॉरी। मैंने कहा क्यों, मुझे जानना है कि भाई दिल्ली जैसे शहरों में या बाहर शहरों में भोजपुरी को लेकर कि क्या मतलब राय रखते हैं लोग या कैसी सोच है। उन्होंने बताया नहीं, बहुत वल्गर होता है। इतना दुख लगा, सच में मुझे लगा कि भाई बहुत ज़रूरत है अभी भोजपुरी के लिए स्टैंड लेने की। और जो भी लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे, जो भोजपुरी भाषी हैं, जो पूर्वांचली हैं, आप सबको स्टैंड लेने की, और ख़ास तौर पे महिलाओं को कि अब तो इसके खिलाफ बोलो यार, बहुत बहुत दुर्गति हो गई अपने भोजपुरी की, अपने भाषा की। और मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ जैसे लोग भाषा के साथ बलात्कार करने वाले लोग हैं। एक बलात्कारी देह के साथ बलात्कार करता है, ये दूसरे टाइप के बलात्कारी हैं, ये भाषा के साथ बलात्कार करने वाले लोग। अच्छा, एनडीए ने नारा दिया हुआ है अब की बार 400 पार, लेकिन वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि विपक्ष जो बना था, मजबूत बन रहा था, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन बना था मोदी को हराने के लिए, एनडीए को हराने के लिए, लेकिन अब वही अलग अलग राज्यों में टूटता सा नजर आ रहा है, क्या विचारधारा रखती है इसे? नहीं, देखिए मैं कीर्ति जी विपक्ष की प्रवक्ता नहीं हूँ और न तो मुझे ये बहुत राजनीतिक चीज़ें समझ में आती हैं, गठबंधन किसका किससे बन रहा है, किससे टूट रहा है, ये कोई विपक्ष का या इंडिया गठबंधन के कोई आएंगे प्रवक्ता या फिर उनके कोई नेता तो उनसे पूछिएगा, इस बारे में मैं कोई जवाब नहीं देना। नहीं, लेकिन आपके चुनाव लड़ने की चर्चा है इसीलिए हम आपसे राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा कर रहे हैं, यही बात नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है, मेरे चुनाव लड़ने की चर्चा है। देखिए, चर्चा में बने रहना चाहिए, अच्छी बात है मेरी चर्चा हो रही, मुझे अच्छा लग रहा है। तो क्या कहा जा सकता है, मैं एक बार फिर आपके साथ ये आखिरी सवाल ले रही हूँ, क्या ऐसी उम्मीद है, क्या ऐसी संभावना है कि अगर आपको कोई विपक्ष की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट देता है तो आप मैदान में उतरेंगी मनोज तिवारी के अगेंस्ट? हालांकि फिलहाल चर्चा तो कांग्रेस को लेकर ही है। देखिए, मेरी जैसी लड़की के लिए, जो गांव देहात से लड़की आती है और पिछले 3-4 सालों से अपने मिशन में लगी हुई है, मेरी जैसी लड़की को अगर ये बहुत बड़ी चीज़ है, पार्टी अगर कोई मुझे ऑफर करती है टिकट वगैरह लोकसभा के लिए, तो मुझे लगता है कि मैं ज़रूर इस पर विचार करूँगी। हाँ,
अच्छा नेहा, आपसे आखिरी सवाल पूछ लिया, लेकिन सवाल आखिरी था, रिक्वेस्ट पहली है। रिक्वेस्ट ये है कि आप आई हैं, भोजपुरी गायिका हैं, तो हमारे दर्शकों को भी कोई अपना गाना या जो आपका नया कोई प्रोजेक्ट है उसके बारे में कुछ दो लाइन गा के सुना। देखिए, अभी तो मैं आपको एक ही गाना सुनाना चाहूँगी और जो मैंने दो चार दिन पहले अपलोड किया हुआ है। जो सबको लाए हैं तुम उनको लाओगे, जो सबको लाए हैं तुम उनको लाओगे, ईश्वर से डरो साहब वरना पछताओगे, संदेश खाली जाओ जाना ही चाहिए था, पर ये तो बता देना मणिपुर कब जाओगे, ईश्वर से डरो साहेब वरना पछताओगे। थैंक यू सो मच नेहा, बहुत मधुर आवाज़ है, मुझे गूज़बम्स फिलहाल आ चुके हैं आपकी आवाज़ से, गाने के बोल सुनकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए हमें न्यूज़ तक पर, और हम उम्मीद करते हैं आप भविष्य में बहुत अच्छा करें, बेहतर करें, और लोकसभा चुनावों के लिहाज से भी अगर आपको टिकट मिलता है तो एक बार फिर आपसे चर्चा करने का मौका हमें ज़रूर मिले।